ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देता हूं, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर है, लगातार आक्रामक है। और इस पर इसी कड़ी में अमित मालवीय ने, जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वीडियो पर लिखा है कि बड़ा मुश्किल है खबर छपवाना। मतलब लगातार ये बात कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है, जिसका हवाला लेकर आज आम आदमी पार्टी अपनी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी डिफेंस कर रही थी, बार बार ये बात कह रही थी कि देखिए हमने, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जो चिट्ठी है, जो उनके शिक्षा मॉडल है, उसको लेकर ये खबर छपी है और इसी वजह से उनके ऊपर सीबीआई रेड हो रही है। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। अमित जी, आपने एक ट्वीट किया है, कहीं ना कहीं जो डिफेंस है आम आदमी पार्टी की, उसको देखते हुए ये ट्वीट किया है कि ये हमारे ऊपर। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं, अमित जी हमारे साथ बने रहिए, मैं कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कुछ हलचल है। मनीष सिसोदिया आपको दिखाई पड़ेंगे यहां पर, इस फ्रेम में अगर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने घर के अंदर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और वो खुद यहाँ पर इतनी रेड के बीच में जो मनीष सिसोदिया है वो ऑफिशियल्स के साथ, सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं वहां पर वो दिखाई पड़ रहे होंगे। सीबीआई की जो टीम है पिछले 6 घंटे से लगातार अंदर है और घर के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त मनीष सिसोदिया आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और किस तरीके से वो सीबीआई के जो लोग हैं, सीबीआई की जो टीम है, वो पूछताछ करते हुए वहां पर दिखाई पड़ रही है। वहां पर अलग अलग जगहों पे उन्हें ले जाती दिखाई पड़ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर जो रेड चल रही है उसमें आप जो तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर मनीष सिसोदिया को की तस्वीरें सामने आई हैं। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मालवीय जी, आपने अभी आरोप लगाया है कि ये पेड न्यूज छपवा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एंडोर्समेंट है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। पहली बात, अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो एक्साइज पॉलिसी के बचाव में एक शब्द नहीं कहा। इससे ही ये स्पष्ट होता है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया और अब सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसी जो इस मामले की जांच कर रही हैं वो उसकी तह तक पहुंच जाएंगी और उनको जेल जाना होगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि किसी अमेरिका के अखबार में कोई आर्टिकल छपा है जिसमें दिल्ली की शिक्षा मॉडल का जिक्र किया गया है, ये छपवाया गया है। अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निकली और खलीज टाइम्स जो एक और अखबार है मिडिल ईस्ट का, उसमें भी बिल्कुल वही आर्टिकल, वही पिक्चरें, वही लेखक, शब्दशः वही आर्टिकल दोनों अखबारों में छपा है। ये तो वही बात हो गई कि नव भारत टाइम्स में भी एक आर्टिकल छपे और वही आर्टिकल उसी तरीके से जागरण में भी छप जाए। ये तो पेड प्रमोशन है, दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, 450 करोड़ रुपया एडवर्टाइजिंग बजट है दिल्ली जैसे छोटे प्रदेश का, जो अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले मात्र 30 करोड़ रुपया हुआ करता था। तो काम ढीले भर का नहीं करती इनकी सरकार, भ्रष्टाचार करोड़ों का और विज्ञापन भी करोड़ों के। अमित जी, जो ये जो आरोप लगाया जा रहा है टाइमिंग के ऊपर, कहा जा रहा है कि देखिए बिल्किस बानो का चाहे केस हो या फिर अभी जिस तरीके से जो खबरें आप लगातार चल रही हैं उनसे डाइवर्जन के टैक्टिक है, मतलब आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले भारत नंबर 1 बनाने की एक कैंपेन लॉन्च की है, तो उसको देखते हुए ये काउंटर रिएक्शन है बीजेपी का, ऐसा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी आप पे। अंकित जी, आपके तो अरविंद केजरीवाल से घनिष्ठ संबंध है, आप अरविंद केजरीवाल को फोन करके इंटरव्यू के लिए बुलाइए और पूछिए कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिकर एक्साइज पॉलिसी पे एक शब्द क्यों नहीं बोला, क्यों उस पॉलिसी के बचाव में अरविंद केजरीवाल ने अपनी साख दांव पे क्यों नहीं लगाई। करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे संबंध तो आपसे भी उतने ही घनिष्ठ हैं अमित जी, मेरा काम है सवाल पूछना, अरविंद केजरीवाल जी अगर तैयार होंगे इंटरव्यू के लिए तो उनसे भी उत्तर ये सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।